आज का नौजवान अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है, हर एक चीज की ध्यान रखता है। वो टेलीविजन नहीं देखता होगा लेकिन उसको जानकारी है कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना, वो आप लोगों की इन हरकतों से बहुत उसको पसंद नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में विपक्ष पर जमकर बरसे। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुपूरक बजट भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में माफियाओं की जमीन पर गरीबों और दलितों के मकान बनाए जाएंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की। हम आवास योजना बना रहे हैं। माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा कर अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा वहां एक गरीब एक दलित रहेगा, ये सामाजिक न्याय है। माफियाओं और अपराधियों को ढोकर हमारी सरकार नहीं चली और ना चलेगी। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे प्रसेप्शन को खराब किए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला कल्याण की बात आज वो लोग कर रहे हैं जो दुर्दांत माफिया को राज्य में शरण देकर उसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा माफिया को लोग अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन माफियाओं के साथ जो भी रहेगा उसके पीछे सरकार का बुलडोजर भी जाएगा। महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी, चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान में हो रही हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे राज्य में भी कुछ लोग तालिबानी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, वहां महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017 तक सिर्फ 10,000 मकानों की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन हम जब सत्ता में आए तो वर्ष 2017 से लेकर अब तक
राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल 40 लाख मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ होने के बाद से लेकर मार्च 2017 तक मात्र 10,000 लोगों के आवास स्वीकृत हो पाए थे, मात्र 10,000 आवास। और महोदय, आज मैं सदन से आपको अवगत करा रहा हूँ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सरकार अब तक 40 लाख लोगों को एक एक आवास दे चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।